अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साहब भाई के लाइव लोकेशन के बारे में जानने वाले हैं कि साहब भाई अभी इस वक्त कहां पर हैं और साहब भाई ने अपने सफ़र को स्टार्ट किया है या फिर नहीं किया, साहब भाई सऊदी अरब में पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं साहब भाई के सफ़र के बारे में। आज है 2 अप्रैल और साहब भाई के सफ़र आज का 304वां दिन है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, साहब भाई को आज अपने घर केरला से निकले हुए पूरे 304 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, ये जो मंजर आप अपनी आँखों से देख रहे हैं ये बगदाद शरीफ का है। जैसे ही साहब भाई वहाँ से निकले थे तब का ये वीडियो है, लेकिन अब इस वक्त साहब भाई सऊदी अरब में इंटर हो चुके हैं। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी कुछ टाइम पहले साहब भाई का एक शेर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं था कि ये वीडियो कहाँ का है और कहाँ से अपलोड किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, उनका जो शेर वाला वीडियो था वो साहब भाई सऊदी अरब में इंटर हुए थे तब वहाँ पर उन्होंने अपना वीडियो को शूट किया था, तो वहाँ का वो वीडियो है। और साहब भाई के लाइव लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो साहब भाई अभी इस वक्त सऊदी अरब में अपने सफ़र को कर रहे हैं और साहब भाई को अभी 1150 किलोमीटर का सफ़र अभी कंप्लीट करना बाकी है। साहब भाई ने आज की डेट में अपना जो सफ़र है वो पूरे 50 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट किया था। जैसे ही साहब भाई ने सहरी खाई थी, सहरी खाने के बाद साहब भाई ने अपने सफ़र को स्टार्ट कर दिया और साहब भाई ने अब तक जो है 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा मुकम्मल कर लिया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी भाइयों को पता होगा कि अभी इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और साहब भाई अपने सफ़र को करते जा रहे हैं बिल्कुल अकेले, उनके साथ में ना ही कोई आगे चलने वाला है और ना ही कोई पीछे, बिल्कुल अकेले ही साहब भाई अपने सफ़र को मुकम्मल करता हुआ जा रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन भाई साहब ने साहब भाई को अंगूठी गिफ्ट किया था, फिर इनको गले लगाया, इनके माथे को चूमा, जैसा कि दोस्तों आप सभी भाइयों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बेशक दोस्तों अल्लाह के घर जाने वाले साहब चतुर का किस तरह से मान और सम्मान किया जा रहा है, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो साहब भाई की करंट अभी लाइव लोकेशन है वो सऊदी अरब है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूं, उनका आप जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है, ये वीडियो जो है वो और लोगों तक भी पहुँच सके, ताकि और लोगों को पता चले कि जो साहब भाई का सफ़र है वो अभी इस वक्त सऊदी अरब में चल रहा है और साहब भाई अभी अपने सफ़र को करते हुए जा रहे हैं। ज़्यादातर वो अपने सफ़र को रात में मुकम्मल करते हैं क्योंकि आप सभी भाइयों को पता है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वजह से साहब भाई दिन में अभी थोड़ा आराम करते हुए अपने सफ़र को कर रहे हैं। जैसे ही उनका कोई नया अपडेट आता है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे।